खबर काशीपुर से है, जहां कुंडेश्वरी क्षेत्र में शुगर की दवा के नाम पर एक मकान में अन्य गलत दवाओं का व्यापार चल रहा था, जिसके चलते वहां के लोग शुगर की दवा के नाम पर अन्य बीमारियों के शिकार हो रहे थे। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दवा कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। वही काशीपुर से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। देखिए, कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत बहुत दिनों से एक मधु निवारक चूर्ण के नाम पे आयुर्वेद का एक व्यक्ति के द्वारा बिना किसी ब्रांड नेम के, किसी रजिस्ट्रेशन नंबर के लगातार कारोबार किया जा रहा था, और ये बहुत इनकी पब्लिसिटी थी। और अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्षेत्रों में थे, और इनके द्वारा मधुमेह से लेकर के अन्य एक दो बीमारियों को इंक्लूड करके और लगातार इसमें मोटा मुनाफा कमाया जा रहा था इस पे करके। इसकी सूचना जब मिली थी उच्च अधिकारी गणों को, तो उसके द्वारा इनकी एक जांच कराई गई, जिसमें जो हमारे आयुर्वेदिक ऑफिसर हैं, जिला आयुर्वेदिक ऑफिसर शुक्ला जी, उनके साथ और प्लस GST की टीम, तहसील की टीम और थाने की टीम संयुक्त रूप से जब कार्रवाई करी वहाँ पे, तो ये पता चला कि यहाँ पे एक रेखा देवी हैं, वाइफ ऑफ लेट विजेंद्र सागर, तो उनकी मकान में ये तीन लोग मिल करके और एक रैकेट की भांति विक्रांत सिंह, प्रशांत सागर और सत्येंद्र चौधरी, ये इस कारोबार को कर रहे थे। इनके द्वारा मौके पे अलग अलग जगहों से रेपर जो कि पब्लिश करा करके वहाँ पे रखा गया था।